कुछ की कृपा से ये हमें मनुष्य यहाँ मिला और शायद उनकी अहोती की कृपा थी जो हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिला। हम उनके सानिध्य में आए, उनके इतने नज़दीक हैं कि हर समय उनका अनुभव हम लोगों को होता है। तो भक्त भी अपनी बात किनको शेयर करते हैं? परम पुरुष को, भगवान को शेयर करते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है कि परमात्मा तो सब बात पहले से जानते ही है कि भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कीर्तन कि परमात्मा को हम कीर्तन सुनाएंगे। और कीर्तन सुनाने से क्या होगा? उनका भाव मन में आएगा और जो अनुमन है वो भूमा मन में मिल जाएगा, उनके करीब आ जाएगा। तो बाबा बोलते हैं मनुष्य का इससे बड़ा कल्याण और क्या हो सकता है कि मनुष्य का अस्तित्व परमात्मा में मिल गया। तो सबसे बड़े कल्याण की बात यही है, लेकिन इसके लिए अहंकार को त्यागना होगा। एक चूहा अगर पहाड़ के सामने जाकर के बोलता है कि मेरे को अहंकार अपना अहंकार दिखाता है, तो ये हंसी की बात होगी कि नहीं होगी? तो उसी तरह से परमात्मा के आगे हम लोग का जितना अहंकार है उसको त्याग कर नम्रता लेकर के आना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने श्लोक भी बोला है, त्रिनादपि सुनी चेना तरोर व सहिष्णुता अमाननीय मानंदेय कीर्तनीय सदा हरि, कि हमें नम्रता भी कैसी रखनी है? घास के समान, घास के ऊपर इतने लोग आते जाते हैं लेकिन कभी भी वो दब करके ऐसे मर नहीं जाता, फिर वो खड़ा हो जाता है। पेड़ है उसमें भी कितने ही आघात आते हैं लेकिन वो उसको सहन करता है, नम्रता भी। और अमाननीय मानन देना कि जिनको कोई मान नहीं देता है हमें उन्हें मान देना है। आप बाबा का प्रवचन सुने होंगे शायद, उसमें बाबा ने बोला कि अगर हमारे कोई बुजुर्ग हैं उनको हमें बुलाना रहता है तो हम उन्हें कैसे बुलाते हैं? आइए 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 आइए। और उससे अगर कोई थोड़े नीचे दर्जे के लोग आ जाते हैं तो उनको एक ही हाथ से आइए आइए आइए। और अगर कोई अछूत आ गए तो उन्हें कैसे बुलाते हैं? आओ 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 आओ। तो बाबा का कहना है लेकिन सभी को हमें एक ही मान देना है, सबको एक रूप में मानना है, बड़े हैं छोटे हैं। वैसे तो कोई छोटे है ही नहीं, कोई शूद्र है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत भेदभाव है जिसके कारण इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कई लोग जात पात के फेवर में रहते हैं, बोलते हैं कि अरे जात पात कैसे छोड़ दें, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जात पात के कारण ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, धर्म के कारण ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। अयोध्या का मंदिर ले लीजिए, चाहे मस्जिद ले लीजिए, चाहे आंदोलन ले लीजिए, सब अपने अपने जात को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे के प्रति आक्रोश दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपना मन पवित्र करना पड़ेगा। जैसे एक मंदिर है, मंदिर में अगर मूर्ति रखना है तो उसको उसी कितनी शुद्धियां की जाती है, वो धोना है तो इतना सुंदर से उसको सजाना है कि परमात्मा आए। मनुष्य का मन वही मंदिर है, लेकिन ये जो मन है मन से जितनी हम कलुषता हटाएंगे तभी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान होंगे। तो ये शुद्ध कैसे होगा? कीर्तन के द्वारा। हम लोग कोशिश करें अधिक से अधिक कीर्तन करें और कीर्तन करके अपने मन को शुद्ध करें, परमात्मा को अपने अंदर विराजमान करें। परमपिता बाबा की दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख